मेरठ के टीपी नगर में 28 सितंबर को 50 लाख के माल के साथ एक ट्रक गायब हो गया, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन मेरठ पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। में एक घटना हुई थी जिसमें एक ट्रक था जिसमें काफ़ी मात्रा में सामान था, कई लाखों का ये सामान था। इसमें जो ITC कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स थे और बेसिकली ये पिलखुआ से ये ट्रक चला था। इसमें जो हमारा थाना टीपी नगर क्षेत्र में बेनीपुरा में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके यहाँ ये सामान आना था, लेकिन इसमें ये ट्रक बाद में ये ट्रक चला गया। इसमें जो ड्राइवर हैं ट्रक के उनकी भूमिका संदिग्ध सामने आई, उसके बाद इस गैंग का खुलासा किया गया। ITC कंपनी के उत्पादों से भरा ये ट्रक हापुड़ के पिलखुवा से मेरठ के टीपी नगर के लिए चला था, लेकिन ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंचा ही नहीं। ट्रक ड्राइवर अपने साथियों के साथ ट्रक सहित फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं बिजनौर के नजीबाबाद में पुलिस ने लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया और डकैती के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्चे को खेलते हुए नहर के करीब पाया था, उस लड़के ने इसे कुछ ऐसा कहा कि उसको अप्रिय असहज लगा और नशे की हालत में बच्चे को उठा करके पास से गुजर रही नहर के साइफान पर सिर के बल पर पटक दिया था। इसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात इस अभियुक्त ने बच्चे को घर के समीप स्थित गन्ने के खेत में डाल दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान और बिजनौर से हाशिम की रिपोर्ट।